नमस्कार। आंवले के गुणों से तो हम सभी परिचित हैं। यह विटामिन सी से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला तथा बालों, आंखों व त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। तो आज हम बनाएंगे आंवले की खट्टी मीठी कैंडी, जिन्हें बच्चे व बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए ये लिए है मैंने 1 किलो आंवले। सबसे पहले हम इन आंवलों को उबालने रखते हैं। आंवलों को उबालने के लिए उतना पानी लेना है जितना कि आंवले हमारे अच्छी तरह डूब जाएं। पानी उबल गया है, अब हम इसमें आंवले डालेंगे। उबालने से पहले हमने आंवलों को अच्छी तरह धो लिया है। फुल फ्लेम पर आंवलों को उबलने देते हैं और इसे दोबारा से ढक देते हैं। 10 मिनट में हमारे आंवले उबलकर तैयार हैं। इस तरीके से हमें आंवले उबालने हैं। इनको ना ही ज्यादा और ना ही कम उबालना है। आंवलों को ठंडा होने के लिए छलनी में निकाल देंगे। आंवले उबालने से बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं। हम सभी जानते हैं ये एक बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर है, इसे हम बालों को धोने में यूज ले लेंगे। आंवलों की गुठली निकालेंगे, सारी कलियां अलग कर लेंगे। आंवले की कैंडी बिल्कुल इस शेप में और बहुत अच्छी निकल कर आएगी, इसलिए उबालने का खास ध्यान रखें कि ये ज्यादा भी ना उबल जाए। सभी आंवलों की कलियां निकालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी को पीस लिया है, आप बिना पीसे भी डाल सकते हैं। आंवलों को ढक देते हैं। देखिए 1 घंटे बाद ही मैंने इसको हटाकर देखा ढक्कन को, तो हम देखते हैं कि चीनी काफी गल चुकी है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सूर्य की रोशनी से इसकी चाशनी बनना शुरू होगी और ये आंवले नेचुरल तरीके से पकना शुरू करेंगे। अब हमने इन आंवलों को धूप में रख दिया है। हम इनको लगातार तेज धूप में कम से कम 3 या 4 दिन के लिए रखेंगे, तब ये चाशनी इनमें लिपटती जाएगी और सूखती जाएगी। चार दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारे आंवले बिल्कुल तैयार हैं, सूख चुके हैं। इनमें हल्की सी नमी है, थोड़ी सी नमी रहने दें जिससे ये ज्यादा सख्त नहीं बनेंगे। मैंने इनको तेज धूप में रखा है रोज, इसलिए ये 4 दिन में तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। बहुत ही सरल विधि से हमारी ये आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप भी जरूर बनाना ये सुपर टेस्टी आंवला कैंडी। बहुत हेल्दी है और आसानी से ही बन जाती है। इन्हें पूरे साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आज की हमारी आंवला कैंडी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।